और झांसी की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरह पिटाई हो रही है। दे दनादन पिटाई की दो तस्वीरें आपके सामने। पहली देखिए हाथियों का जहां सड़क को आपसी बहस हुई, उसके बाद थाने के बाहर ये मारपीट करते नजर आ। उसके बाद देखिए झांसी की दूसरी तस्वीर जहां पर एक जिला अस्पताल में एक महिला एक युवक को चप्पलों से जूतों से मारती दिख रही। उसके साथ एक युवक वो भी दूसरे युवक को जिसको ये महिला मार रही थी उसको मारते दिखा। कहा गया था कि परिवार को लेकर कोई बात थी और आपसी बात उसी के बाद इस महिला ने इस युवक को पीटा और इसके साथ एक शख्स उसने भी पीटा। तो ये दो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से अब लोग खुलेआम मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बिना डरे किसी से इस तरह की हरकत करते हैं। तो देखिए पिटाई का लाइव वीडियो ये झांसी की खबर है जहां पर जिला अस्पताल में देखिए एक महिला ने पिटाई की युवक की जमकर और चप्पलों से जूतों से उसको मारती दिखी। और उसके साथ देखिए युवक है वो भी दूसरी जो युवक जिसको महिला मार रही थी उसको वो भी मारते हुए नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। लात घूसो चप्पलों से पिटाई करते रहे। और झांसी से हमारे सहयोगी एसएस झा भी जुड़ चुके हैं। एसएस झा देखिए ये जिला अस्पताल में जो पिटाई का मामला सामने आया था अब इस मामले के सामने आने के बाद कोई एक्शन लिया गया है? देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पिटाई की गई चौकी के सामने वहां पर पिटाई की गई, पुलिस खड़ी रही, इसके बाद वो वहां पर झगड़ा होता है, पिटाई होती रही, इसके बाद मामला पुलिस में पहुंच गया, दोनों पार्टियां वहां पर पहुंच गई हैं। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस दोनों का सुलहनामा करा रही है। लेकिन जिस तरीके से उस व्यक्ति को महिला ने पुरुष ने लात घूंस होते चप्पलों से पीटा, अब देखिए पुलिस देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। बिल्कुल ऐसा देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें से जो भारत समाचार पर हमने दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।